मानव सेवा करके नया साल एवं सेवा कार्य के छठवें वर्ष के प्रवास का किया गया स्वागत। जिले में मानव सेवा, दिव्यांग सेवा, गौ सेवा करके किया गया स्वागत। समाजवादी विचारधारा का जन्म ही समाज के निराश्रित एवं अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को भी वह सुख सुविधाएं पहुंचाने के लिए हुआ है। उनसे अभी तक वह अछूता रहा है। एक सच्चे सामाजिक कार्यकर्ता का एकमात्र धर्म मानवता व सेवा होता है। इन्हीं बातों को आत्मसात करते हुए जन समर्पण सेवा संस्था दुर्ग द्वारा 5 साल पूर्व 1 जनवरी 2017 से अनवरत प्रतिदिन गरीब, असहाय, अनाथ एवं विकलांग जनों निःशुल्क भोजन वितरण किया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन लगभग 100 से 150 लोगों को दुर्ग रेलवे स्टेशन में रात 8 बजे भोजन कराया जाता रहा है। गौरतलब है कि शहर में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, एकमात्र यही उद्देश्य को लेकर विगत 5 सालों से जन समर्पण सेवा संस्था कार्य कर रही है। उसी सोच एवं उद्देश्य में संस्था द्वारा प्रतिदिन दुर्ग शहर के विभिन्न स्थानों में जाकर गरीब, असहाय, विकलांग जरूरतमंदों को खोजकर रात में भोजन दिया जा रहा है। साथ ही साथ जरूरतमंदों को उनकी आवश्यकता की वस्तु निःशुल्क वितरित की जा रही है। जन समर्पण सेवा संस्था द्वारा दुर्ग के सरदार वल्लभ भाई पटेल प्राथमिक शाला में अध्ययनरत जरूरतमंद बच्चों को कॉपी, पेन, बिस्किट का वितरण किया गया एवं स्कूली बच्चों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम करके अपने इस नव वर्ष की मानव सेवा के कार्यक्रम प्रारंभ किया। कार्यक्रम में लगभग 250 बच्चों को जरूरत की सामग्री का वितरण किया गया। वहीं संस्था के अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा बंटी ने बताया कि दोपहर 12 बजे से ग्राम खेदामारा जामुल की शासकीय मिडिल स्कूल जाकर वहां अध्ययनरत 86 स्कूली बच्चों को चरण पादुका, कॉपी, पेन, बिस्किट, पेंसिल का वितरण किया गया। वहीं संस्था के शिशु शुक्ला ने बताया कि 1 जनवरी 2022 को संस्था द्वारा किए जा रहे मानव सेवा कार्य को 5 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर शाम 4 बजे 5 दिव्यांगजनों को ट्राइसिकल वितरण किया गया। ट्राइसिकल विश्वविख्यात कथावाचक भागवत भूषण परम आदरणीय पंडित प्रदीप मिश्रा के हाथों किया गया। इस संबंध में संस्था के बंटी शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जन समर्पण सेवा संस्था दुर्ग जो कि विगत 5 वर्षों से जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन, विकलांगजनों को ट्राइसिकल वितरण करते आ रही है। संस्था का 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर 1 जनवरी और 2 जनवरी 2022 को विभिन्न सामाजिक सेवा के कार्य किए गए, जिसमें दुर्ग जिले के विभिन्न स्कूलों में अध्ययनरत स्कूली बच्चों को, जरूरतमंद बच्चों को कापी, पेन, पुस्तक और चरण पादुका का वितरण किया गया। इसके साथ साथ दुर्ग वृद्धाश्रम, बाल आश्रम, अनाथ आश्रम सभी स्थानों पर जरूरतमंदों को जा करके उनके जरूरत की सामग्री का वितरण भी संस्था द्वारा किया गया। 1 जनवरी 2022 को संस्था का 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर 5 विकलांगजनों को ट्राइसिकल वितरण की गई, जो कि दुर्ग पधारे परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रदीप मिश्रा जी के हाथों से साइकिल का वितरण दिव्यांगजनों को किया गया। जन समर्पण सेवा संस्था का एकमात्र उद्देश्य कोई भूखा ना सोए और शहर पर जरूरतमंदों को हर वह जरूरत की सामग्री उपलब्ध हो सके जिनकी उनको जरूरत है। मानव सेवा पर निरंतर कार्य करती जन समर्पण सेवा संस्था सभी से आग्रह करती है कि भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, इस ओर सभी प्रयास करें। मैं योगेंद्र कुमार शर्मा बंटी, अध्यक्ष जन समर्पण सेवा संस्था दुर्ग। ग्रैंड स्क्रीन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।